प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि आने वाला जो समय है, यानी कि 9 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य रात्रि 2:11 तक ब्रह्मांड के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी रहेंगी जो 6 ग्रहों की युति बना रही है मकर राशि के अंदर, और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आखिरी इंपैक्ट होगा इस समय पर। दर्शकों, उसके बाद में 13 फरवरी के बाद से धीरे धीरे ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां सुधरने लगेंगी, और मई के बाद में यहां पर हम एक बहुत अच्छा समय भी देखेंगे। ये बात मैं आपको मेरे कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज इस वीडियो में हम उससे आगे की बात करेंगे। मई 2021 के बाद में ग्रहों की परिस्थितियां ये कह रही हैं कि संसार के अंदर एक नई तरक्की का माहौल हमको देखने को मिलेगा, यानी कि जो शनि ने परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन का असली चेहरा अब हमको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र के अंदर, अनुसंधान, मेडिकल, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, पुलिस प्रशासन, इनके अंदर आपको अब बहुत बड़े काम होते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। और ये जो परिवर्तन शुरू हुआ है, ये 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 20 से 25 वर्षों के लिए हुआ है, यानी कि अगले 20 से 25 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी का हम वो रूप देखेंगे जिसकी आज यदि मैं आपसे बात करूं तो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर पिछले इतिहास के अंदर जाएंगे तो 1990 के अंदर अगर कोई आपको यह कहता कि आप अपने मोबाइल से इतने सारे काम कर सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम आप अपना हैंडल कर सकते हैं, आपको ऑफिस की सारी चीजें आपके मोबाइल में मिल जाएंगी, आप किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, तो शायद आपको बड़ा अजीब लगता, क्योंकि उस समय पर कंप्यूटर जो आए थे वो भी 286 ऐसे कंप्यूटर थे जिनके अंदर काम करने का एक्सपीरियंस उन लोगों को अच्छी तरह से पता है जिन्होंने 1990 के दौर में 286 कंप्यूटर खरीदा था। उस समय पर आज के सुपर कंप्यूटर की कल्पना करना शायद किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन ऐसा ही बड़ा परिवर्तन अब हम आने वाले समय में भी देखेंगे। यानी कि जो 2020 के अंदर शनि ने नींव रखी है टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की, मेडिकल क्षेत्र के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट करने की, बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या क्या हमें किया जाना चाहिए आने वाले फ्यूचर के अंदर, बैक्टीरिया, वायरस, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनसे मानव को कैसे सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण को लेकर के हमें क्या करना चाहिए, पेट्रोलियम की जो समस्या है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए बेटर एडवांटेज हम कैसे तैयार कर सकते हैं, आने वाले समय में ये आप बहुत ही आसानी से, बहुत तेज गति से होता हुआ देखेंगे। और हम एक ऐसी नई दुनिया के अंदर प्रवेश करेंगे जहां पर सुविधाओं का अंबार होगा, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पर होगी, और हम अपने जीवन को आज के पैरामीटर से अगर हम बात करें तो बहुत आगे ले जाकर के बहुत सुविधापूर्ण जीवन हम जी रहे होंगे, ये यहां पर शनि जरूर करवाएंगे। इसीलिए अपने आप को तैयार रखिए आने वाले परिवर्तन के लिए, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के रखिए, नए नए इन्वेंशन जो आपके काम में अप्लाई हो सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, व्यापार की गति को कैसे बढ़ाना है वर्तमान में, उसके लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर के अंदर किस तरह की स्किल्स की हमको जरूरत पड़ेगी अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, फिर देखिए अगली सदी की दौड़ के अंदर आप ही विजेता भी होंगे। लेकिन यदि आप उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहे, जैसा होता है वैसा हो जाएगा, उसी तरीके से काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, चेंजेस को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कुछ सीखने समझने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आप नहीं बन रहे हैं, तो फिर यहां पर आप किसी भीड़ में भी खो जाएंगे, ये बात निश्चित है। इसलिए मई के बाद में आप लोगों को काम के अंदर भी, चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार के अंदर भी, आपको बहुत जगह पर बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए दिखेंगे, और उस परिवर्तन को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझना भी है, उसको स्वीकार भी करना है, अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, फिर देखिए इस दशक के विजेता
आप जरूर बनेंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि समय जो परिवर्तन लेकर आता है उसे जो स्वीकार करता है वही उस परिवर्तन का सबसे ज्यादा फायदा भी उठाता है। इसलिए तैयार हो जाइए, कोरोना काल अब खत्म हो चुका है, मई के बाद में हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे और उसके अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो जो सेगमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अपने आप को तैयार कीजिए उस नए परिवर्तन के लिए, एक सुनहरा दौर आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।